जी ये हमारा प्रोफेशनल थ्रेड है, ठीक है। यूँ उसको पहले ये नीचे वाला खुला हिस्सा ऊपर वाला टांगे, कोशिश करें इसी शेप में पकड़े, ठीक है। ये ऊपर ही आए और ये नीचे आए, ओके। और यहाँ से हमारा ये जो फिंगर है ना, रिंग फिंगर के साथ दरमियान से, यहाँ पे इसको थ्रेड को हम गुजारेंगे, ये लो, ठीक है। यहाँ से हम गुजारेंगे और यहाँ से हम कम अज़ कम 10 इंच थ्रेड छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, जैसे हम आगे चलेंगे साथ साथ मैं आपको बताऊँगी, ओके। यहाँ से इतना तकरीबन 10 इंच छोड़ा, यहाँ से पकड़ा और ये अपने मुँह में डाल देना, ठीक है। मुँह में डाला और ये ऐसे, ये देखें हील घूम रही है, इसको नीचे लेके आए ये। अब ये दो फिंगर लिए दूसरे हाथ की, ठीक है, दो फिंगर लिए, ये ऐसे रखा ये। अब क्या करना है, अपने यहाँ से इस फिंगर के साथ इसको थ्रेड को अपने ग्रिफ्ट में लेना है, ठीक है। कैसे, ये देखें इसको इसमें ग्रिफ्ट में लेना है और देन आपने क्या करना है, ये ऐसे देखें, आप ये नज़र आ रहा है आपको, सॉरी नाम ले लिया आपको क्लियर, ये देखें यहाँ से हमने इसको ट्विस्ट करना है, ठीक है। ये देखें ये ट्विस्ट करना, ये आपका थ्रेड रेडी हो गया। अगर हम इसका एक दूसरा तरीका भी बच्चियाँ करती हैं, इसका नहीं करना, ये देखें ये छोड़ा, ये मुँह में हमने डाला, ये 10 इंच का थ्रेड छोड़ा, उसके बाद हमने ये पकड़ा और क्या करती हैं इसको ऐसे ऐसे करती हैं, ये देखें ना, ये सारा आप कितना हिल रहे हो, इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जैसे वाला ये फिंगर की और यहाँ इसमें अपने यूँ अपने पास कर रहे हैं, इस फिंगर में ऐसे खा रहे हैं, फिर आपने इसको करना है, देखिए कितना ईजी आपका होगा, ठीक है। ये आपका थ्रेड तैयार, ठीक है, ये करिए आप साइन, यहाँ फिर आप रखेंगे और ये देखिए। अब इसको आगे से हमने क्या करना है, आपकी ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड और इधर से ये थंब वाला थ्रेड, इसको आपने टाइट रखना है, ठीक है। ये देखिए इसको, इसको मैंने दबाया, इधर से मैंने थंब वाले को दबाया और जो हेयर मैंने निकालना है वो थंब वाला जो थ्रेड है इसके आगे मैंने रखना है, ये मैंने इसको रखा और ये जो मेरा मुँह में है इसको मैंने आगे रोल करना है, ये ठीक है। ये देखिए ये क्लोज करेंगे, आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, ये आप देखते हैं यहाँ से मैंने ऐसे रखा, ये मैंने टाइट निकाल लिया कि ये मैंने हेयर निकालना है, इसको टाइट कर लिया, इधर से इसको दबा लिया, ये जो ऊपर वाला थ्रेड है इसको मैंने मुंह के साथ ऊपर खींचना है ऐसे और ये थ्रेड आगे चल जाए, ठीक है। ये आगे चल जाए, इस तरह आपका रेगुलर थ्रेड चलेगा। आपने इसको दबाना है जो आपके ये हाथ में है, रिंग फिंगर में आपका थ्रेड है, इसको ये ऐसे फिंगर रखे, इसको दबाना है ऊपर से जो हमारा इधर है, इधर जिसके ऊपर हमारा थंब आता है अंदर वाला थ्रेड क्रॉस हो जाता है ना, ये इसके ऊपर थ्रेड के ऊपर फिंगर रखनी है, तो फिर आपने ऐसे दबाना और जो मुंह में थ्रेड है उसको खींचते हुए आपने आगे ले जाना है और आपको ये चल करना, और जब आपने इसको आगे लेके जाना है तो इसको लूज़ कर देना, हल्का सा लूज़ करना, जैसे वो चलता जाएगा ना इसको अपने फिंगर को आपको पहले ऐसे खुली हुई है ना, फिर आस्ता आस्ता अपने ऐसे ऐसे से बंद कर देना, ये खुली है फिर आपने ऐसे से बंद कर देनी है, जब ऊपर से थ्रेड हमारा आगे जाना है, ये खाली आपको दिखा रहा हूँ, ये चल रहा ना, ये आस्ता ये बंद है, ये इसको फिर खोला, ये खोला, ये मेरी बंद हो गई, ये खोला और मेरा फिर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये किया और ये हमारी बंद हुई, ये जो हमारा थंब है इसको दबाना है और इसको दबाना है और उसके बाद इसको जो हम मुँह वाला थ्रेड खींचना है, ये देखिए मेरा इधर ही है ना, ये सारी ये मुँह वाला आगे जा रहा है, ये जब वो आगे जा रहा है तो हमारा ये हाथ वाला बंद हो जाएगा, इस तरह रखना है। तो ये आज का थ्रेड का तरीका आपको बताया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी डिटेल से, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अच्छा मैंने ये बताना था कि हमने थ्रेड इतना क्यों छोड़ा, ठीक है, थ्रेड इसलिए छोड़ा कि जब हम ये देखे मुँह में डाला, यहाँ पे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, हाथ आगे करें ऐसे करें, ये देखिए हम जब इसको यहाँ पे थ्रेड करते जा रहे हैं, थ्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, तो जब हमारा थ्रेड टूटता है तो यहाँ से टूटता है और ये टूटता है तो यहाँ पे तमाम ज़हर स्किन के जम जो भी है इसके साथ लग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से टूटता है और जम्स जहाँ से हैं ज़हर, ये टूटेगा तो ये वाले सब तो हम मुँह में नहीं डालेंगे और ये इतना धागा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहा है ना, इसलिए फिर हम इतना धागा छोड़ते हैं कि जितना मर्जी आगे पीछे राउंड हो जैसे भी हो तो हमारे मुंह में वो जंग ना आए, ठीक है, इसलिए हम ये इतना धागा छोड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा मैंने ये बताना था कि हमने थ्रेड इतना क्यों छोड़ा, ठीक है, थ्रेड इसलिए छोड़ा कि जब हम ये देखे मुँह में डाला, यहाँ पर हम ट्विस्ट कर रहे हैं, हाथ आगे करें ऐसे करें, ये देखिए हम जब इसको यहाँ पे थ्रेड करते जा रहे हैं, थ्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, तो जब हमारा थ्रेड टूटता है तो यहाँ से टूटता है,
और ये टूटता है तो यहाँ पे तमाम ज़हर स्किन के जम्स जो भी है इसके साथ लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से टूटता है और जम्स जहाँ होते हैं ज़हर ये टूटेगा तो ये वाला शर्ट तो हम मुँह में नहीं डालेंगे। और ये इतना धागा आगे पीछे जा रहा है ना, इसलिए फिर हम इतना धागा छोड़ते हैं कि जितना मर्ज़ी आगे पीछे राउंड हो जैसे भी हो तो हमारे मुँह में वो जम्स ना आए, ठीक है। इसलिए हम ये इतना धागा छोड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।